तो दोस्तों, बिहार में जो शिक्षकों की बहाली लाया गया था, वो बहाली की प्रक्रिया का जो रास्ता है दोस्तों, वो पूरी तरह से साफ कर दिया गया है दोस्तों, जहां पर टोटल लगभग 1 लाख पदों के लिए भर्ती लाया गया था। तो इसी की रिगार्डिंग सारी बातों का आपको आज डिटेल से बताने आ चुका हूँ। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अकादराज, और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, जो बेल आइकन है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑल है, इस ऑल को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारा मेरा वीडियो नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए। उसके बाद तो देख सकते हैं, यहाँ पर आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं, ये रहा जो आज का पेपर हिंदुस्तान पटना संस्करण में अपडेट करके बताया गया। जो आप देख सकते हैं, हेडिंग है कि बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। जो 94,000 शिक्षक भर्ती जो आया था, उसका आप सभी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जो भी प्रक्रिया है किया था, वो फाइनली स्टॉप हो चुकी थी, स्थगित हो चुकी थी। लेकिन फाइनली अब बिहार सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ये बहाली को अब कंटिन्यू आगे का प्रोसेस करा जाएगा, यानी कि अब जो आपका रास्ता साफ हो चुका है। तो घबराइए मत, तो आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है, आप सभी लोग अब शिक्षक बन सकते हैं बिहार में, जहाँ पर टोटल 1 लाख के लगभग वैकेंसी लाया गया था, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो भी हेडिंग है, तो मैं आपको और टच करूँगा, अगर पूरी बात डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। विभाग ने 11 सितंबर को दिया था निर्देश। विभाग ने NCT से 18 माह के डीलेट प्रशिक्षण की मान्यता को लेकर परामर्श के बाद नियोजन इकाइयों को 11 सितंबर 2019 को निर्देश दिया था कि इसकी मान्यता प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए नहीं है। दोस्तों, इससे देख सकते हैं, आपको सभी को पता होगा कि जो स्थगित की गई थी, ये कुछ लॉकडाउन के कारण और कुछ जो जो मामला था आपका डीलेट, और जो NIOS डीलेट था उस मामला के कारण दोस्तों, इस भर्ती को, इस नियोजन को कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दी गई थी, रोक दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अब ये पूरी मामला क्लियर हो चुकी है और इस भर्ती को फिर से कंटिन्यू किया जाएगा, और जल्द ही इस भर्ती को पूरी तरह से कर लिया जाएगा, जहाँ पर टोटल 1 लाख की भर्तियाँ हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो NCT के द्वारा 18 माह का जो था NOIS का डीलेट कोर्स डिग्री, उसे पहले बोला गया था कि स्टॉप कर दिया जाए, उसका मान्यता नहीं होगा, लेकिन फाइनली अब उससे भी मान्यता दे दी गई है। तो आप सभी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो लोग NOIS 18 माह का जो डिलेट कोर्स किए थे। अब आते हैं तो आगे, तो देखते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने 22 जनवरी को दिया था आदेश। देखते हैं यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा 22 जनवरी को आदेश दिया गया था, जो भी मामला था इस प्राथमिक शिक्षा से भर्ती से रिलेटेड, जहाँ पे आपको हाईकोर्ट में इसका केस चल रही थी, और फाइनली तो वहाँ से केस का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। अब इसका जो प्रक्रिया आगे कंटिन्यू जारी होते रहेगा। तो इधर आते हैं बगल में, तो जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कुछ और भी हेडिंग है जो आप देख सकते हैं। ये रहा यहाँ पर कि एक सप्ताह बाद नियोजन का शेड्यूल जारी करने की तैयारी। दोस्तों, देखते हैं जो आपको नियोजन की शेड्यूल है, प्रक्रिया है, जो भी डिटेल्स है, आपका 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से बन रहिएगा, जो भी न्यूज आएगा, किस तरह से शेड्यूल जारी होगा, क्या क्या होगा करना, आप सभी को मैं अपने चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूँगा। 3 माह में पूरी कर ली जाएगी नियुक्ति की सभी प्रक्रिया। और दोस्तों, देखते हैं 3 माह के अंदर, यानी कि तो अभी जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक पूरी प्रक्रिया आपकी जो प्रोसेस है वो कर ली जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि नीचे आते हैं नियोजन की कार्रवाई। देख सकते हैं नियोजन की कार्रवाई, आपका जो डेट है, जो पुराना जो है डेट था, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो था उसके अनुसार जो चल रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर विभाग ने 5 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी की थी। 5 जुलाई 2019 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। उसके बाद 11 फरवरी 2020 को इसे नियोजन को फाइनली स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर यह सारा मामला बताया जा रहा है, मेरा सूची भी तैयार करने के लिए बात की जा रही थी, ये सारी बातों को फाइनली स्टॉप कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इस मामले को पूरी तरह से स्टार्ट कर चुका है हमारा बिहार सरकार, जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर पूरा बात यहाँ बताया गया डिटेल से, ऊपर आते हैं देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ बातें बताई जा रहा है जो आपको इंपॉर्टेंट होगा कि NIOS को NOIS से 18 माह का डीलेट कोर्स करने वाले को मिलेगा नियोजन के लिए अधिन का मौका। दोस्तों, देखते हैं आप सभी की खुशखबरी की बात है, जो लोग 18 माह का NOIS कोर्स से डीलेट की डिग्री प्राप्त किए थे, उन सभी को भी अब नियोजन के लिए सुविधा मिल रही है। तो आप सभी लोग इसका बेनिफिट उठाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी भी लाइक मारो, अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। इसी तक न्यूज़ प्राप्त करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।